ओके, आंशिक अवकलन। पहली जो परिभाषा है वो आता है चर, वह क्वांटिटी या वह संख्या जिसका मान किसी समीकरण या फलन या सिस्टम में बार बार बदलता हो। उसे चर कहते हैं। ओके, वेरिएबल इज ए क्वांटिटी विच हैव द डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट इक्वेशंस और इन डिफरेंट सिस्टम्स। मतलब यह है कि चर एक ऐसी संख्या है जिसका मान किसी समीकरण के अंदर या किसी फलन के अंदर या किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर बार बार बदलता हो, इसे स्मॉल एक्स या स्मॉल वाई या स्मॉल जेड द्वारा लिखा जाता है, प्रदर्शित किया जाता है या लिखा जाता है। कैसे? मान लिया जाए मेरे पास कोई इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू टू है और मैं x की वैल्यू अपनी मर्जी से 1 डाल दूं। इस इक्वेशन की इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए मैं x की वैल्यू अपनी मर्जी से 1 डाल दी और y की वैल्यू भी अपनी मर्जी से 1 डाल दी, तो मेरे पास रिजल्ट कितना आया? 2। ओके, अगर मैं x की वैल्यू 4 डालता हूं और y की वैल्यू माइनस के प्लस माइनस के y की वैल्यू में डालता हूं माइनस के 2, तो हल करने के बाद मेरे पास निकलता है 4 माइनस के 2 इज इक्वल टू 2। इसी प्रकार अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं और y की वैल्यू में 2 रखता हूं, मेरे पास जो रिजल्ट आता है 2 आता है। तथा इसी प्रकार अगर मैं x की वैल्यू माइनस के 10 रख दूं और y की वैल्यू में 8 डाल दूं, तब भी मेरे पास 2 ही निकलता है। ओके, तो मतलब ये निकला कि यहां पे जो x है या फिर y है क्या हुए? चर हुए। मतलब वह संख्या जिसका मान किसी समीकरण के अंदर या किसी फलन के अंदर या किसी सिस्टम के अंदर बार-बार चेंज होता हो उसको चर कहते हैं। जैसे इस समीकरण को संतुष्ट करने के लिए, समीकरण नंबर 1 को संतुष्ट करने के लिए मेरे पास x की बहुत सारी अलग-अलग वैल्यूज हैं और मेरे पास y की बहुत सारी अलग-अलग वैल्यूज हैं, अर्थात x की कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं या फिर y की कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं, सो दैट x और y मेरे पास क्या हुए? चर हुए। अर्थात इस तरह की संख्या को या इस तरह के नंबर्स को या इस तरह की क्वांटिटी को चर कहते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं x plus y is equal to 5, तो और x की वैल्यू 0 डालने पर y की वैल्यू 5 डालने पर रिजल्ट इज 5। x की वैल्यू 2 डाल दी, y की वैल्यू 3 डाल दी, रिजल्ट फिर 5। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, रिजल्ट फिर 5। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू -1, रिजल्ट फिर 5। अर्थात x की डिफरेंट वैल्यूज, अलग-अलग वैल्यूज, इसी प्रकार y की अलग-अलग वैल्यूज। ओके, तो ये क्या हुआ? चर। ये क्या हुआ? चर। क्लियर? नेक्स्ट, चरों के प्रकार। चरों के प्रकार, चर दो प्रकार के होते हैं,
नंबर एक आश्रित चर, नंबर दो अनाश्रित चर, पहले डिस्कस करने जा रहा हूं आश्रित चर, वह चर जिसका मान दूसरे चर पर निर्भर करता हो, ओके, अनाश्रित चर वह चर जिसका मान दूसरे चर पर निर्भर नहीं करता, ओके। पहले वाला जो होता है उसको बोलते हैं आश्रित चर, मतलब एक ऐसा चर जिसका मान दूसरे चर के ऊपर डिपेंड करता हो उसको आश्रित चर कहते हैं। सेकंड अनाश्रित चर, वह चर जिसका मान दूसरे चर के ऊपर निर्भर नहीं करता। इंग्लिश नंबर वन डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल इज ए क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन अदर वेरिएबल। नंबर टू इनडिपेंडेंट वेरिएबल, बोले तो अनाश्रित चर, ए वेरिएबल विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द अदर वेरिएबल, देन द वेरिएबल इज नोन एज इनडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। एन एग्जांपल, सपोज दैट x + y = 5, अगर मैं x का मान अपनी मर्जी से 2 रख दूं, 2 प्लस वाई बराबर 5, तो इस समीकरण को संतुष्ट करने के लिए मेरे को हल करने पर वाई इक्वल टू 5 माइनस के 2 अर्थात वाई इक्वल टू 3 रखना होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, अगर मेरे पास ये कोई रेखीय यानी लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल की, मैं कह रहा हूं x प्लस वाई बराबर 5 में कौन सा आश्रित चर है और कौन सा अनाश्रित चर है। मान लिया जाए x की वैल्यू मैंने अपनी मर्जी से y डाल दी, तो इस इक्वेशन को, इस समीकरण को संतुष्ट करने के लिए मेरे को y का 3 ही वैल्यू डालना होगा, अर्थात y का मान 3 ही रखना होगा। उस पोजीशन में किसी समीकरण के अंदर जो वैल्यू मैं अपनी मर्जी से डालूंगा वो होगा मेरा अनाश्रित चर, और जिस दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगा यानी जिसका मैं रिजल्ट निकालूंगा वो होगा मेरा आश्रित चर। रिपीट कर रहा हूं बच्चों, मान लिया जाए मेरे पास x + y = 5 है, मैंने x की वैल्यू 2 डाल दी, मैंने इस इक्वेशन को हल किया, y की वैल्यू 3 निकल कर आई, जो वैल्यू अपनी मर्जी से डाली उसको कहूंगा अनाश्रित चर, अर्थात अनाश्रित चर x है इस केस में, और जो मान निकल करके आया अर्थात y का मान मेरे पास होगा आश्रित चर, क्योंकि y की वैल्यू डालने पर x का मान पूरे तरीके से y के ऊपर डिपेंड कर रहा है, y पर निर्भर कर रहा है। एक और देखता हूं, अगर मैं आपसे बोलता हूं x प्लस के y बराबर 15 और y का मान अपनी मर्जी से मैं 5 डाल दूं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए मेरे को हल करने पर x की वैल्यू 10 निकल करके आती है, अर्थात x जो कैलकुलेशन के बाद आई उसको बोलता हूं मैं आश्रित चर। x मेरा क्या हुआ? आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल, और y जो वैल्यू अपनी मर्जी से डाली गई इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अर्थात अनाश्रित चर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर
ये वाली जो इक्वेशन है या ये वाली जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के अंदर या इस समीकरण के अंदर कौन से वाला चर आश्रित होगा, कौन से वाला चर अनाश्रित होगा, क्या x आश्रित होगा या y आश्रित होगा? बेटा जो वैल्यू मैं अपनी मर्जी से डाल दूंगा वो तो होगा अनाश्रित, और जो वैल्यू आप डाल रहे हो, जो वैल्यू आप निकाल रहे हो वो होगा आश्रित। ओके एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, मान लिया मेरे पास 2x + y = 5 है, अगर x की वैल्यू अपनी मर्जी से डाली तो ये हुआ अनाश्रित चर, अनाश्रित चर, और अपनी मर्जी से x की वैल्यू डालने के बाद जो वैल्यू मैंने कैलकुलेट की ये जो चर हुआ मेरे पास इसको मैं कहूंगा क्या, आश्रित चर। अर्थात किसी भी समीकरण के अंदर अगर समीकरण दो वेरिएबल वाली है, दो चरों वाली है, कोई भी आश्रित चर हो सकता है और कोई भी अनाश्रित चर। ओके नेक्स्ट, फलन या प्रतिचित्रण इंग्लिश होती है मैपिंग और फंक्शन, फलन वह नियम है जिसमें डोमेन का प्रत्येक अवयव कोडोमेन के किसी एक एक किसी एक ही एक अवयव से जुड़ा हो। ओके इसे f such that x to y द्वारा लिखा जाता है। रिपीट करता हूं बच्चों, फंक्शन होता क्या है, फलन क्या होता है? फलन एक ऐसा नियम होता है जिसमें डोमेन का प्रत्येक अवयव, ध्यान से सुनना, डोमेन का प्रत्येक अवयव को डोमेन के किसी ना किसी एक अवयव से जुड़ा हो। मतलब यह निकलता है कि डोमेन के अंदर अगर 10 एलिमेंट हैं तो 10 के 10 एलिमेंट को डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्टेड हो। ओके मतलब डोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो कोडोमेन के किसी एलिमेंट से जुड़ा ना हो। ओके मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, अब डोमेन क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है, मान लिया जाए मेरे पास ये कोई सेट है एक्स और ये कोई सेट मेरे पास वाई है, सपोज दैट, और एक्स से वाई के ऊपर एक फंक्शन है एफ। एक ऐसा नियम है कि यहां के सारे एलिमेंट इधर के एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, लेकिन इधर का हर एक एलिमेंट इधर के सिर्फ एक एलिमेंट से कनेक्टेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि इधर का एक एलिमेंट इधर के दो एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो, अर्थात इधर का एक एक एलिमेंट जुड़ा हुआ है, प्रत्येक एलिमेंट जुड़ा हुआ है, सारे एलिमेंट जुड़े हुए हैं, लेकिन इधर के सारे एलिमेंट या इधर के दो एलिमेंट इधर के एक अवयव से जुड़े ना हो। मतलब क्या है, मान लिया जाए सेट x के अंदर एक 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, और इधर a है, b है, c और d। डोमेन का प्रत्येक अवयव
यानी इधर का अवयव ये हो सकता है इससे जुड़ा हो, ये इससे जुड़ा हो और ये इससे जुड़ा हो, और सपोज दैट ये इससे जुड़ा हो। ओके, डोमेन का प्रत्येक अवयव को डोमेन के, इसको बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन। ओके, मतलब डोमेन का प्रत्येक अवयव को डोमेन के किसी ना किसी अवयव से जुड़ा हो। लिखने का जो तरीका होता है इसको f such that x to y, मतलब ये डोमेन ये कोडोमेन, लिखने का तरीका f of 1 जो जुड़ा हुआ है वो a से जुड़ा हुआ है, f of 2 जो जुड़ा हुआ है वो b से जुड़ा है, f of 3 जो जुड़ा है वो c से, और f of 4 जो जुड़ा हुआ है वो d से जुड़ा हुआ है। ओके, इस तरह के नियम को अगर एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से इस तरह से जुड़े होंगे, डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट को डोमेन के किसी न किसी अवयव के साथ जुड़ा हो तो फलन होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो फलन नहीं होगा। एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। मान लिया जाए मेरे पास y स्क्वायर, मैं कह रहा हूं कि f such that r से r के ऊपर एक मैप है, एक फलन है, एक फलन है, मतलब मेरा फंक्शन, फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर है, और जो कोडोमेन है वो भी रियल नंबर है, मतलब मेरा फलन ऐसे है, यहाँ कुछ एलिमेंट हैं जो सेट R के अंदर है और एक नियम बना हुआ है F, यहाँ कुछ एलिमेंट हैं, यहाँ कुछ एलिमेंट हैं, यहाँ भी R है, यहाँ के कुछ एलिमेंट यहाँ के कुछ एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, और जुड़े कैसे हैं कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से, y स्क्वायर अगर मैं y को f of x मान लूं, y स्क्वायर को f of x मान लूं, अर्थात f of x इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो क्या y स्क्वायर 4ax एक फलन है, देखते हैं अभी। मेरे पास जो दिया हुआ है ये जो होता है बेटा, ये होता है डोमेन, और यहां जो लिखे जाते हैं कोडोमेन, मैं इसको ऐसे लिखता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू, डिनोट करने का तरीका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, अर्थात ये एलिमेंट डोमेन के, यहां कोडोमेन। ओके, यहां डोमेन देख पाऊं, मैं अगर आपसे बोलता हूं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एक फलन है या नहीं, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं मेरे पास निकलता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, अर्थात y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 4ax। ओके, धरा चार्ज लगाने के बाद y के दो रिजल्ट आए प्लस माइनस 4ax, और अगर मैं इसको और सॉल्व करता हूं प्लस माइनस 2 अंडर द रूट ax। ओके, मेरे को पता है कि डोमेन और कोडोमेन कहां से हैं, रियल नंबर है, अर्थात मैं सीधा लिख सकता हूं कि प्रत्येक डोमेन का एलिमेंट और कोडोमेन का एलिमेंट r को बिलोंग करता है, अर्थात r के अंदर है। ओके, अब देखता हूं, मान लिया जाए मैं x बराबर 1 पुट करूं, x बराबर 2 पुट करूं, x बराबर 3 पुट करूं, तो y बराबर, जब x 1 हो y बराबर प्लस माइनस अंडर द रूट 2a, यानी x के एक मान के लिए y की दो वैल्यू मिली 2a और y इज इक्वल टू माइनस के 2a। अगर मैं x का मान 2 रख दूं, अगर मान लिया जाए x की वैल्यू मैंने 2 रख दी तो y जो मेरे को मिला प्लस माइनस 2 अंडर द रूट 2, अर्थात y इज इक्वल टू 2 अंडर द रूट 2 और y इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर द रूट 2, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ बच्चों कि मेरे पास r से r के ऊपर एक मैप था, एक फलन था,
और फलन था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, अर्थात y इज इक्वल टू था प्लस माइनस अंडर द रूट 2ax। देखता हूं ये मेरा डोमेन है, ये मेरा कोडोमेन है। अगर मैं x की पर्टिकुलर वैल्यू 1 डालता हूं, यहां मेरे पास y है, यहां मेरे पास ये डोमेन, ओके, कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट इस नियम के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मैं x की पर्टिकुलर वैल्यू 1 डालता हूं, 1 डालने से y की मेरे पास दो वैल्यू आती हैं। x बराबर जैसे ही 1 रखा, y की दो वैल्यू निकली, पहली 2 अंडर रूट a माइनस 2 अंडर रूट a, सपोज दैट 2 अंडर द रूट a ये है और माइनस के 2 अंडर द रूट a ये है और ये मेरा y है। मतलब क्या निकलता है कि y डोमेन का एक एलिमेंट को डोमेन के इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है, ओके, डोमेन का एक एलिमेंट y को डोमेन के दो एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। और परिभाषा ये बोलती है कि डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट कोडोमेन के सिर्फ एक एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए तभी फलन होगा, अर्थात y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax फलन नहीं, ओके। अगर मैं ग्राफिकली देखने की कोशिश करूं, आपको बताएं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का ग्राफ एक परवलय होता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये मेरा x एक्सिस होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है, y एक्सिस होता है। सवाल पैदा फिर होता है कि सर आपने x एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही ग्राफ क्यों बनाया? कर्व ट्रेसिंग की थ्योरी ये कहती है कि जब y की घात इवन अर्थात सम होगी तो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर प्लॉट होगा, और जब x की घात इवन होगी तो ग्राफ y एक्सिस के ऊपर प्लॉट होगा, और जब y बराबर x और x बराबर y डालने से इक्वेशन के अंदर दी गई समीकरण के अंदर कोई चेंज नहीं होता तो ग्राफ y is equal to x के पैरेलल प्लॉट होता है। आप जानते हो इस चीज को, कर्व ट्रेसिंग आपका बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लेना, ओके। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास सो दैट ये फलन नहीं है। अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई f such that r to r और फंक्शन परिभाषित है, एक तो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और एक है y इज इक्वल टू अंडर द रूट 4ax, में से कौन सा फलन है ये हम चेक कर चुके। अब की बार इसकी बात करता हूं, मेरे पास यहां से जो निकला बच्चों y is equal to under the root 4ax, यानी y is equal to मेरे पास क्या हुआ भाई, y is equal to मेरे पास निकला 2 under the root ax। अगर मैं, मेरे को पता है कि x और y belongs to r हैं, real number के अंदर से हैं, अगर मैं x की कोई एक value डाल दूं, suppose that मैं x बराबर 1 डाल दूं, तो y की वैल्यू कितनी लोड करके आती है अंडर द रूट 2 इनटू 1। अगर मैं ये जब आती है जब x बराबर 1 डालता हूं, अगर मैं y x की वैल्यू 2 डाल दूं तो y की वैल्यू मेरे पास निकल करके आती है 2 इनटू अंडर द रूट 2 इनटू 2 इनटू a। अगर x की वैल्यू मैं 3 डाल दूं तो y की वैल्यू जो निकलती है 2 इनटू अंडर द रूट 3 इनटू a, और फिर इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं तो देखता हूं क्या हो रहा है। जब x की वैल्यू 1 है तो y 2a पे जा रहा है, अर्थात y अगर यहां है तो y किस पे जा रहा है, ये 2a 2 अंडर द रूट a के ऊपर। जब x की वैल्यू 2 है तो y जो जा रहा है किसके ऊपर जा रहा है, 2 अंडर द रूट 2a के ऊपर जा रहा है। मतलब x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू मिली, x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू मिली, x की एक वैल्यू के लिए x के एक मान के लिए y का एक ही मान मिला, अर्थात जब जब x का एक मान डालने से y का एक ही मान मिलता हो
तो उस वक्त फलन होगा, और अगर x का एक मान डालने से y के दो वैल्यू मिलते हो या y के तीन वैल्यू मिलते हो या y के बहुत सारे मान मिलते हो उस वक्त फलन नहीं हो सकता। एक और देखते हैं, मैं आपसे जो बोल रहा हूं बेटा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको, मेरे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि y square is equal to 4ax, y is equal to कितना निकला plus minus under the root 4ax, और y is equal to कितना है, एक तो ये है, दूसरा क्या है, y is equal to under the root 4ax। अगर मैं ग्राफिकली देखने की इसको कोशिश करता हूं और ग्राफिकली इसको देखने की कोशिश करता हूं, तो पहले वाले का जो ग्राफ है y is equal to under the root 4ax और y is equal to under the root minus 4ax, और अगर इसके ग्राफ की बात करता हूं तो y is equal to under the root 4ax, अर्थात ये अलग है, ये अलग है। फिर रिपीट कर रहा हूं, x का एक मान डालने से y के दो मान मिल जाए फलन नहीं होगा, x का एक मान डालने से y का एक ही मान मिले तो फलन होगा। ओके बच्चों, वैसे तो फंक्शन बहुत तरह के होते हैं, जैसे वन वन फंक्शन होता है, इन टू फंक्शन होता है, वन टू फंक्शन होता है, मेनी वन होता है, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं, मेरा जो टॉपिक है ना, मेरा टॉपिक है आंशिक अवकलन। ओके एक बात और भी बेटा, अगर मैं ऐसे लिखता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ओके तो ये इसको मैं बोलता हूं सिंपल लैंग्वेज में एक चर वाला फलन, एक चर का, या y is equal to f of x, इसको जो मैं कहता हूं एक चर का फलन, अगर मैं ऐसे लिखता हूं y is equal to f of x कोमा z, तो ये क्या होगा, दो चरों वाला फलन, क्यों, एक चर ये है दूसरा चर ये है। अगर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं u is equal to f of x comma y comma z लिखता हूं, तो u तीन चरों वाला फलन है। ओके अगर मैं ऐसे लिखता हूं u of x comma y, मतलब निकलता है u x y का फलन है। रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं लिखता हूं u of x comma y, तो u जो है x और y का फलन है। ओके एनी प्रॉब्लम, नो एनी डाउट, नो क्रॉस क्वेश्चन, नहीं ना, नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं बच्चों बाकी का, मैं जो ये डिफरेंशियल कैलकुलस है यहां तक जो फलन के सिंगल वेरिएबल का जो फंक्शन है वहां तक मैं पहुंच चुका हूं, उसके बाद डायरेक्ट अगले लेक्चर के अंदर जो है ना, अगले टॉपिक के अंदर देखते हैं अभी क्या ये जो बचा हुआ है बोले तो आंशिक अवकलन की तरफ चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, प्लीज माय नेम इज जाकिर हुसैन एंड द नेम ऑफ माय चैनल इज मैथमेटिशियन विंग्स, सो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके दिस इज माय हार्टली रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट, प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। ओके बाय।